हाय एवरीबॉडी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की आज की क्लास में हम लोग रोमांटिक क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो लिसन टू मी केयरफुल्ली. एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द राइज ऑफ रोमांटिक क्रिटिसिज्म. रोमांटिक क्रिटिसिज्म का उदय. द अवेकनिंग ऑफ सेंसिबिलिटी मीन्स संवेदनशीलता की जागरूकता सबसे अधिक फंडामेंटल चेंज है जो लगभग मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर में इफेक्ट में आया था. रेशनलिज्म जो अगस्टन एरा के दौरान व्याप्त था. ऑर्डर, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन जो अगस्टन के राइटर्स ने मन में बिठाया था वे सभी अनसेटिस्फाइड हो गए थे क्योंकि मैन, गॉड और सोसाइटी के बारे में सामान्य धारणाएं टूटने लगा था और राइटर्स फिर से जीवन के फैक्ट के प्रति रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस में पुनः पीछे लौट चुके थे. रीजन, लाइफ के मिस्ट्री के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर देने में विफल हो चुका था और इसलिए तनाव मींस स्ट्रेस सेफर गाइड्स टू ट्रूथ के रूप में इमोशन और इमेजिनेशन में शिफ्ट हो गया. न्यू क्लासिकल सिद्धांत में बहुत रुकावट पैदा हुआ महसूस किया गया और इसलिए राइटर्स फ्री मोड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन में बदल गए. नाउ वी अंडरस्टैंड कॉजेज ऑफ रोमांटिक क्रिटिसिज्म. रोमांटिक क्रिटिसिज्म के क्या कारण थे? लव ऑफ लिबर्टी इंग्लिश टेम्परामेंट में गहराई से समा गया, इसलिए अब इंग्लिश में नियो क्लासिकल रूल्स फॉलो नहीं किया जा सकता था. अब इंग्लैंड इतना इंडिविजुअल हो चुका था कि वह नीरस नकल नहीं कर सकता था. लिबरलिज्म की ओर से झुकने की यह प्रवृत्ति लॉन्गिनस के समय से ही था जब इन्होंने ऑन द सबलाइम रचना की थी और तब इस रचना को 17th सेंचुरी के आसपास फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट किया गया था और बाद में इंग्लैंड में भी व्यापक रूप से पढ़ा गया. इंथ्यूजियम पर उनके इम्फेसिस क्रिएटिव और क्रिटिकल लिटरेचर दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा. फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने स्वतंत्र सोच की भावना को और बढ़ावा दिया. लव ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ने फ्री इंक्वायरी के उत्साह को राइज करने में राह दिखाया. नियो क्लासिकल रूल्स पर क्वेश्चन उठाए गए और उनके सीमाएं मींस लिमिटेशन को एक्सपोज किया गया था. राइटर्स रूल्स एंड कन्वेंशंस के बिना लिखना पसंद करते थे और क्रिटिक्स अपने दृष्टिकोण के अनुसार जज करना पसंद करते थे. लगभग 18th सेंचुरी के मिडल में मेडिवलाइजेशन मूवमेंट ने ओल्ड इंग्लिश मास्टर्स में इंटरेस्ट को रिवाइवल किया. स्पेंसर और शेक्सपियर का रेपुटेशन इंक्रीज हुआ और अलेक्जेंडर पोप और दूसरे कंटेम्प्रेरी राइटर्स की प्रतिष्ठा डिक्रीज हो गई. लिटरेरी एप्रिसिएशन के सब्जेक्ट पर फ्रेश थिंकिंग था. जर्मन इन्फ्लुएंस के अंतर्गत नेचर ऑफ ब्यूटी और एस्थेटिक अपील पर रीथिंकिंग था. इस तरह से न्यू एस्थेटिक्स मींस सौंदर्य शास्त्र विकसित हुआ. 18th सेंचुरी के इंग्लिश हिस्टोरियन गिबन की ऐतिहासिक रचना द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के पब्लिकेशन से ही न्यू हिस्ट्री आउटलुक का ग्रोथ दिखा. लिटरेचर एंशियन, मेडाइवल और मॉडर्न को संपूर्ण रूप से तैयार किया गया. यह हॉरिजन को इनलार्ज कर दिया और आउटलुक को भी वाइडन कर दिया. रोमांटिक क्रिटिसिज्म के उदय में रिव्यूज मींस समीक्षाओं के द्वारा भी हेल्प मिला था. मींस रिव्यूअर्स रूल्स के आधार पर नहीं बल्कि अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के आधार पर लिटरेचर के वर्क्स का जज करते थे. अनडाउटेडली इन लोगों का क्रिटिसिज्म प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, लेकिन इन लोगों ने
इंप्रेशनलिज्म और इंडिविजुअलिज्म के राइज का रास्ता बना दिया, जो रोमांटिक क्रिटिसिज्म का की नोट है। वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज जैसे बढ़ते हुए प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने नियो क्लासिज्म के विरुद्ध अपनी आवाज उठाए और अपने क्रिटिकल प्रोनाउंसमेंट के जरिए रोमांटिक क्रिटिसिज्म का नींव रखा। ये लोग रोमांटिक मूवमेंट के लिए एक निश्चित प्रोग्राम और कंसेंसस दिया। अतः 18th सेंचुरी में न्यू फोर्सेस चल रहा था, बदलाव का एक अंडर करंट बह रहा था, जो 1798 में वर्ड्सवर्थ की रचना प्रीफेस टू द लिरिकल बलाड्स के पब्लिकेशन के साथ ही जीवन में रोमांस फैल गया। इसलिए एटकिंस कहते हैं कि 19th सेंचुरी क्रिटिसिज्म का फाउंडेशन 18th सेंचुरी में ही रखा गया था। नाउ द चीफ फीचर्स ऑफ रोमांटिक क्रिटिसिज्म। द न्यू स्कूल ऑफ रोमांटिक क्रिटिसिज्म के मुख्य गुण को इस प्रकार समराइज किया जा सकता है। फर्स्ट, रोमांटिक क्रिटिसिज्म रूल्स को इग्नोर करते थे, चाहे वे रूल्स एरिस्टोटल के हो या हॉरेस को हो या फ्रेंच इन्फ्लुएंस का हो, और लिटरेचर के वैसे वर्क्स पर जोर देते थे जो इंप्रेशन के आधार पर जज किया जाना चाहिए, न कि रूल्स को फॉलो करें। रोमांटिक क्रिटिसिज्म का मुख्य सिद्धांत इंप्रेशनिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक और फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी था। सो द फर्स्ट चीफ फीचर इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म इग्नोर्ड द रूल्स ऑफ एरिस्टोटल, हॉरेस एंड द फ्रेंच। द सेकेंड वन इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म मूल सिद्धांतों जैसे नेचर ऑफ पोएट्री एंड इट्स फंक्शंस एंड नॉट मियरली विद द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाइल, डिक्शन और लिटरेरी जेनस से जुड़ा हुआ था। यह न तो लेजिस्लेटिव और न ही जुडिशियर था। यह मुख्य रूप से थियरी ऑफ पोएट्री और द प्रोसेस ऑफ पोएट्री क्रिएशन से जुड़ा था। द थर्ड वन इज एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन एंड इमोशन। इस क्रिटिसिज्म में रीजन और गुड सेंस पर नहीं बल्कि इमेजिनेशन और इमोशन पर ध्यान दिया जाता था। न्यू क्लासिक्स की तरह इस क्रिटिसिज्म में पोएटिक एंथुजियम को तुच्छ नहीं समझा गया था। नाउ फोर्थ वन इज इंस्पिरेशन एंड इंट्यूशन एट द ट्रू बेसिस ऑफ क्रिएशन। इस क्रिटिसिज्म में पोएट्री के न्यू डेफिनेशंस को लाने का भी प्रयास किया गया था। पोएट्री न केवल इमिटेशन और इन्वेंशन के रूप में ही समझा जाता था, लेकिन यह इमोशन और इमेजिनेशन को एक्सप्रेशन भी करता था। इंस्पिरेशन एंड इंट्यूशन को पोएट्रिक क्रिएशन का ट्रू बेस माना जाता था। एंड द फिफ्थ वन इज प्लीजर रादर देन इंस्ट्रक्शन बिकेम द एंड और फंक्शन ऑफ पोएट्री। कॉलरिज कहते थे कि यदि पोएट्री निर्देश देती है तो वह केवल आनंद के माध्यम से ऐसा करती है। पोएट्री ऐसे संचार से लोगों को नेक और बेहतर बनाती है। पोएट्री का संकेत हार्ट की ओर होना चाहिए। सिक्स्थ, इमेजिनेशन वाज एम्फसाइज्ड बोथ एट द बेसिस ऑफ क्रिएशन एंड ऑफ जजमेंट ऑन व्हाट इज क्रिएटेड। रोमांटिक क्रिटिसिज्म में इमेजिनेशन पर जोर दिया जाता था। इमेजिनेशन आर्ट के ग्रेट वर्क के प्रोडक्शन को आगे बढ़ाता था। Shakespeare is great because his works are the product of imagination. On the other hand, Pope is not great as he is deficient in this respect. It means Shakespeare की रचनाएं imagination based था, इसलिए वे महान हैं। लेकिन Pope की रचनाएं जो जिसमें imagination नहीं होता है तो वे महान नहीं। क्रिटिक को भी इमेजिनेशन से सुसज्जित होने चाहिए, जिससे कि वे वर्क ऑफ आर्ट के ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सके। कवि को जरूर वर्क ऑफ आर्ट के स्पिरिट में इमेजिनेशन के साथ प्रवेश करना चाहिए। अतः रोमांटिक क्रिटिसिज्म में वर्क ऑफ आर्ट को जज करने के लिए इमेजिनेशन
एक मुख्य विशेषता थी. नाउ द सेवेंथ वन इज सिंप्लिसिटी वॉज एम्फसाइज्ड बोथ इन थीम एंड ट्रीटमेंट. रोमांटिक क्रिटिसिज्म में सिंप्लिसिटी पर जोर दिया जाता था. सिंप्लिसिटी में थीम एंड ट्रीटमेंट दोनों पर विचार किया जाता था. नाउ एट वन इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म वॉज क्रिएटिव. रोमांटिक क्रिटिसिज्म में क्रिटिक्स राइटर्स के वर्क्स में इमेजिनेटिवली थॉट्स एंड फीलिंग्स के साथ प्रवेश करते थे और काल्पनिक रूप से सम्मिलित होकर वर्क्स का जज करते थे. इस तरह रोमांटिक क्रिटिसिज्म को क्रिएटिव कहा जाता है. एंड द लास्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलिज. रोमांटिसिज्म में विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलिज का इन्फ्लुएंस दूर तक फैला हुआ था. वर्ड्सवर्थ कई क्षेत्रों में पहले थे. वे इंटरेस्ट और कंट्रोवर्सी को उत्तेजित किया और इसके साथ ही वे रोमांटिक थियरी एंड प्रैक्टिस दोनों में फंडामेंटल चेंजेस लाए. वे रोमांटिक मूवमेंट के पहले सिद्धांतकार मींस थियरिस्ट थे. वर्ड्सवर्थ उन चीजों को ध्वस्त कर दिया जो इंग्लिश क्रिटिकल ट्रेडिशन में गलत और हानिकारक था, ताकि इंग्लैंड में लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्री एंड लार्ज एटमॉस्फेयर में सांस ले सके. उनके प्रभाव में कॉलिज और अदर रोमांटिक क्रिटिक्स को ऐड किया गया और 19th सेंचुरी के ओपनिंग डिकेड्स तक यह रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ. रोमांटिक क्रिटिसिज्म के रूप में वर्ड्सवर्थ, कॉलिज, शेली इत्यादि को इग्नोर नहीं किया जा सकता है. एंड इन द एंड रोमांटिक क्रिटिसिज्म इन शॉर्ट, जिस प्रकार से नियो क्लासिज्म द एक्सेस ऑफ द एलिजाबेथन्स के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया का परिणाम था, उसी तरह नियो क्लासिज्म में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अधिकता के विरुद्ध रोमांटिसिज्म का उदय था. रोमांटिसिज्म में इंडिविजुअलिटी, सब्जेक्टिविटी और इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंस्पायरेशन इत्यादि पर जोर दिया जाता था. नियो क्लासिज्म के रूल्स और इविल्स के खोखलेपन को रोमांटिसिज्म में एक्सपोज किया गया और पोएटिक क्रिएशन में क्रिएटिव राइटिंग, इमेजिनेशन एंड इमोशन पर ध्यान दिया गया. वर्ड्सवर्थ की रचना प्रीफेस टू द लिरिकल बलाड्स और कॉलेज की रचना बायोग्राफिया लिटरेरिया को इंग्लिश क्रिटिसिज्म के हिस्ट्री में लैंडमार्क माना गया. वर्ड्सवर्थ और कॉलेज सबसे महान रोमांटिक क्रिटिक्स में से थे. रोमांटिक फेज में वैल्यूएबल वर्क्स की रचना की गई और क्रिएटिव प्रोसेस के बेटर अंडरस्टैंडिंग को अचीव किया गया. इस तरह से रोमांटिक फेज में न्यू ब्यूटीज को डिस्कवर किया गया. इस प्रकार रोमांटिक क्रिटिसिज्म समाप्त हुआ. नेक्स्ट क्लास में रोमांटिक क्रिटिक्स वर्ड्सवर्थ और कॉलिज के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.